सो हेलो गाइस, अगर आपने एपिसोड 14 अभी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ऐश और बाकी सब कहीं जा रहे होते हैं जंगल से, और फिर जो क्लाइमेट होता है वो ऐश से लड़ने के लिए अपने जिम में प्रैक्टिस करने गया होता है, और वो अपने रोबोट के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू के ऊपर हमला होता है, और फिर सब ऊपर देखते हैं तो वो टीम रॉकेट ने हमला किया होता है। और फिर ऐश बोलता है पिकाचू को कि वो थंडर बोल्ट का अटैक करे, और फिर जैसे ही वो अटैक करता है फिर उसके बाद जो टीम रॉकेट होती है वो उड़ के सीधा आसमान में जाती है, और फिर उसके बाद वो सारे नीचे गिर जाते हैं। जेम्स पेड़ पे गिर जाता है, और फिर और जो जैसी होती है वो कहीं और गिरी होती है, और फिर वो जेम्स को बुलाने की वो करती कोशिश तो उसके, और फिर उनके पीछे एक पोकेमोन आ जाता है जो बदबू मारता है, और फिर उसके बाद वो पानी में गिर जाते हैं। और फिर जो जेलसी होती है उसे कोई लड़का आके बचा लेता है, और फिर उसे वो पानी से निकाल देता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि उसके पास भी वो फॉफिट्स हैं और उस मेरे पास भी। फिर वो उसे बैरी खिलाता है जिससे वो ठीक हो सके। फिर उसके बाद जो जेलसी होती है वो ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद वो अच्छा महसूस करती है। फिर उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मेरे, वो लड़का पोकेमोन डॉक्टर होता है, और वो बोलता है मेरे घर पास ही में, और फिर वो उसके घर जाती है और वो उसे पहनने के लिए अच्छे कपड़े देता है, और फिर वो बोलता है ये कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और फिर तो जैसी होती है वो उसके गार्डन को देखने लग जाती है, और फिर जैसी बोलती है कि तुम्हारे पोकेमोन बेरीज तो बहुत अच्छी उगी है, और फिर उस डॉक्टर को एक लड़की बुलाती है जो उसकी बचपन की दोस्त होती है, और फिर जो डॉक्टर होता है उसे वो ठीक कर देता है, और फिर जो जैसी होती है वो उसे हेलो बोलती है, और फिर तभी उन्हें कोई पोकेमोन पकड़ने के लिए बुला लेता है ताकि उसे वो पोकेमोन बेरी खिला सके, और फिर वो उसे पकड़ने लग जाता है। और फिर उसके बाद जैसी उसे पकड़ लेती है, और फिर जो आंटी होती है वो उसकी तारीफ करने लग जाती है जिससे वो शर्मासी जाती है। फिर उसके बाद उसे फिर उस डॉक्टर से उसे लव होने लग जाता है, और फिर वो उसे पकड़ कर रखती है और डॉक्टर उसे बेरी खिला देता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेरिना और ऐश आराम से लंच कर रहे होते हैं, और फिर बॉनी सोचती है कि डेडेने किधर चले गया, और फिर हमें दिखाया जाता है कि डेडेने किसी चीज़ को सूंघ के उसके पीछे आ जाता है, और फिर वो केज में बंद हो जाता है, और फिर उसके बाद बॉनी और बाकी सब उसे बचाने के लिए आते हैं, और फिर वो बच जाता है। उसकी हालत ठीक नहीं होती, और फिर ऐश और सेरिना उसे ठीक करने के लिए कोई पोकेमोन सेंटर ढूंढते हैं। फिर उसके बाद वो दिखाया जाता है कि वो लड़का और जैसी कहीं बैठे होते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसे जैसी को लगता है कि वो उससे प्यार करने लगी है। फिर उसके बाद हमें जेम्स और म्याउ दिखाए जाते हैं जो जैसी को ढूंढ रहे होते हैं, और जो बॉनी होती है वो उसी डॉक्टर के पास आती है डेडेने को दिखाने के लिए, और वो बोलता है ये ठीक हो जाएगा जल्दी, और फिर वो अपने क्लिनिक में उसे ठीक करने ले आता है, और फिर वो उसे चेक करता है, उसके ऊपर वो शॉक करता है जिससे उसे ठीक हो जाए, और फिर डेडेने ठीक हो जाता है। और फिर तो जो जैसी होती है वो उसके लिए बैरी तोड़ के लाती है, और फिर वो बॉनी को देती है ताकि वो डेडेने को ठीक कर सके, और फिर ऐश और बाकी सबको कुछ शक होने लग जाता है कि ये बॉफोफेट तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, और फिर उन सबको पता लग जाता है, और फिर जैसी बोलती है प्लीज़ किसी को मत बताना, जैसी बोलती है कि मैं टीम रॉकेट को छोड़ दूंगी, और फिर जेम्स और म्याउत झाड़ियों के पीछे से वो सारी बातें सुन लेते हैं, और फिर जेम्स बहुत रोने लग जाता है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है, और फिर जैसी बताती है कि मैं उससे लाइक करने लगी हूँ और मैं उससे प्यार करना चाहती हूँ, और फिर जो जेम्स होता है वो बोलता है कि अब से हम दोनों हैं टीम रॉकेट, और फिर वहाँ से जाते जाते उन्हें एक केस दिखता है जिसमें पोकेपफ रखा होता है, और फिर वहाँ पर एक पोकेमोन हंटर आ जाता है जो उनको मारने लग जाता है, और फिर उसके बाद जो जेम्स होता है वो उनसे मदद लेने आ जाता है ऐश और बाकी सबसे, और फिर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उसकी मदद के लिए जाते हैं, और फिर जो जेसी होती है वो सारी बातें सुन लेती है, और फिर उसके बाद जो ऐश और बाकी सब फिर वो उस पोकेमोन हंटर के पास जाते हैं, और जो वो लड़की होती है वो उस डॉक्टर के पास आती है, और वो डॉक्टर बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और फिर वो डॉक्टर बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और फिर जो जैसी होती है उससे पता लगता है कि वो उसे लाइक नहीं करता, और फिर जो जैसी होती है वो वहाँ से चले जाती है वो फिफेट को उधर ही छोड़ के, उसके बाद जो जैसी होती है वो वहाँ पर आ जाती है उन्हें बचाने के लिए, और फिर वो टीम रॉकेट में दोबारा से शामिल हो जाती है, और जो वो पोकेमोन हंटर होता है वो उनके ऊपर पोकेमोन से अटैक करने लग जाता है, और फिर तभी वहाँ पर जैसी का वॉफिट उसे बचाने वहाँ पर आ जाता है, और जो उस हंटर का पोकेमोन होता है और जो वॉफिट होता है वो आपस में लड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो पोकेमोन हंटर होता है उसे वो रस्सी से बांध देते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, और फिर जो जैसी होती है वो उसे फूल भेजती है उस डॉक्टर को, और फिर टीम रॉकेट में दोबारा से शामिल हो जाती है। तो गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है।